जिनके लिए आपने ये सब किया, उन्होंने कभी आपको थैंक यू बोला या अप्रिशिएट हुआ ये जेस्चर? नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्या मतलब? नहीं हुआ। बाद में उल्टा ये हो गया था कि भाई तुम बड़े इमेच्योर हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो मैं ऐसे देख रहा था यार ये क्या हुआ। आपने ऐसा स्टेप लिया कि आपको लगा कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूं और मैं बताऊं लोगों को कि सलमान खान मुझे थ्रेटन कर रहा है? आई थिंक उसमें काफी चीजें थी। एक तो मैं 24 साल का था, बच्चा था, और अभी अभी मैंने सक्सेस इतनी बड़ी लेवल हाँ, पर आई देखी थिंक थी। हाँ इश्क में था, इश्क में काफी लोग पागल हो जाते हैं। हाँ और आपको लगा कि मैंने गलत किया है? जब मैं वहां बैठा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तभी मुझे पता चल गया था कि मैं गलत कर रहा हूँ। तभी पता अंदर चला, से मुझे एक आवाज तो कह रही थी इंस्टिंक्टिव। कि हाँ, ये मत नहीं करो करना मत चाहिए, जो करो। करना है मर्दों की तरह सामने जाओ, बैठो, बात करो, क्या प्रॉब्लम है। मारना है चलो मारो, मैं भी मार सकता हूँ, मेरे पास भी 2 हाथ हैं, खत्म करो। तो बट तुमने फिर भी नहीं रोका अपने आप हाँ, को? बिकॉज आई थिंक वो होता है ना, एक एक सर्टन, जब कुछ लोगों का आप पे प्रभाव बहुत स्ट्रांग होता है तो आप फिर अपनी अपनी बात बंद करके उनकी बात उनकी बात सुनते हैं। लेकिन मैंने मैंने कुछ ऐसी चीजें कह दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, और चाहे उसके पीछे जो भी हो, कहा तो मैंने। आई वॉज द आई वॉइस नो एंड आई वॉज द आई फेस। वॉन्ट टू गिव हिम अ बिग हैंड फॉर सेइंग दिस, बिकॉज मुझे आई थिंक मुझे इस तरह का बिग हैंड पसंद है। हाँ उस टाइम पे तो इस तरह के बिग हैंड पड़े थे। नहीं, क्योंकि ये एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तुम लोग विवेक। शायद ये नहीं जानते हैं कि एक एक इशू हो गया, चलो ठीक है, फ्रॉम बीइंग दिस लवेबल बॉय जिसको हाँ, सब लोग पसंद करते हैं, सडनली एक दिस आउटकास्ट हो गया था मैं। ये ओवरनाइट हुआ, ओवरनाइट 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 आपको मतलब इमीडिएटली इमीडिएटली रिएक्शन कुछ मिल लोगों के गया फोन्स आ गए ओवरनाइट? थे, वो कहने लगे थे डोंट वरी, तुमने बहुत सही किया है, बहुत सॉलिड किया है, वी आर विथ यू वगैरह और वगैरह। फिर बट उसके बाद इमीडिएटली सब वो गायब। जाकर हाँ, हाँ सब गायब हो गए। और फिर सडनली मेरे पीछे किसी का सपोर्ट नहीं था, जितने लोग मुझे कह रहे थे कि ये करना चाहिए इस तरह, वो भी अपने अपने मेरे सबसे करीब लोग भी मुझसे दूर हो गए, थोड़े से हट गए कि भाई ये हमारी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, बिकॉज देयर वाज सच अ तो मैंने बैकलैश कहा कि भाई सडनली। तुमने ही कहा था मुझे कहने के लिए ये सब चीजें। तो ऐसे काफी आई ओपनर्स हुए मेरे साथ, वो शुरुआत की बात थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से कंटिन्यू हुआ, हर अवार्ड फंक्शन पर धज्जियां उड़ाई गई, मजाक उड़ाया गया। मुझे तो एक अवार्ड फंक्शन से लेटर मिला था कि यू हैव वन दिस अवार्ड फॉर यू नो योर फिल्म कंपनी एटसेट्रा एटसेट्रा। और उसके बाद मुझे कहा गया कि आप एक काम करें, फिर आप अवार्ड पे आए ना और उठाकर वो अवार्ड किसी और एक्टर को दिए। मेरे लिए जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि मुझे एक एक्टर बनना है, मुझे परफॉर्म करना है, मुझे फिल्म्स करनी है। जब वो अटैक मुझ पर हुआ उसके बाद कि लोगों को कहा गया कि यू कांट वर्क विथ हिम, लोग आते थे मुझे कहते थे कि भाई हमें साइनिंग अमाउंट वापस दे दीजिए क्योंकि हम आपके साथ फिल्म नहीं कर सकते हैं, हमें वहां से प्रेशर है, यहाँ से प्रेशर है, इस लॉबी से प्रेशर है, उस लॉबी से प्रेशर है। तो वो किसी ने नहीं देखा जो मैंने किया, गलत किया, लेकिन ना मैंने किसी को मारा, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, किसी के घर की आमदनी तो नहीं रोकी, लेकिन मैंने वो बहुत सहा, बहुत। अभी तक कुछ फैक्शंस हैं ऐसे, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं, आपके दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं, जो मुझे कहते हैं यार तेरे साथ काम करना है, लेकिन क्या करूं यार, नहीं कर सकता। एंड आई एम स्टिल डीलिंग विद दैट आफ्टर हैविंग अपोलोजाइज। हालांकि मुझे सलमान से ज्यादा दुख हुआ सोहेल का और क्योंकि वो अरबाज का, आपके दोस्त वो हैं। मेरे बहुत करीबी दोस्त थे। और सोहेल ने सलमान से झगड़ा किया था मेरे लिए कि भाई आप ये सब मत करो, एंड आई विल सॉर्ट इट आउट, और मुझे प्रॉमिस भी किया था कि मैं सॉर्ट आउट करूंगा। दैट्स वेयर आई फेल्ट वेरी बैड, कि मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने एक दोस्त को लेट डाउन कर लेट दिया। डाउन किया। उसने मुझे कहा भी था, आज तक सोहेल मुझे उसने मुझे माफ नहीं किया। अरबाज और मेरी फिर भी ठीक हो गई है, बातें होती हैं, बट सोहेल मुझे माफ नहीं कर पाता है बिकॉज आई अंडरस्टैंड, क्योंकि सबसे क्योंकि ज्यादा मैंने उसे लेट उसको भी डाउन तो किया वहां था। गालियां पड़ी हाँ, होंगी उसको तो कि काफी कुछ पड़ी, हाँ। तो मुझे बहुत बुरा लगा वो पता चलने के बाद। बट वॉज इट लाइक स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन विद द हैंडीकैप इट दिस वाज टाइम? स्टार्टिंग माइनस विद अ मेजर माइनस। और इसीलिए जिन लोगों ने मुझे तब सपोर्ट किया, मैं उन लोगों को कभी नहीं भूलूंगा। जैसे आपने आपने मुझे, आपका पर्सनल इतना स्ट्रांग रिलेशनशिप है सलमान के साथ, फिर भी आपने मुझे एक फिल्म ऑफर की थी, व्हिच वाज वेरी वेरी टचिंग टू क्योंकि मी। यू नो आई मस्ट से इन सलमान डिफेंस, उन्होंने कभी भी हमसे नहीं कहा कि विवेक से बात मत हाँ, करो मुझे नहीं या लगता कि वो विवेक, कहते तो भी आई होंगे, थिंक वो नहीं, लोग अपने बट आप से आपस ही से हाँ डिफेंस सोचकर वो एटलीस्ट मुझसे तो उन्होंने कभी नहीं भी नहीं कहा। कहा है। हाँ, तो मैं एक दिन शूटिंग करके घर आ रहा था, शूट आउट के लिए ही शूटिंग कर रहा था, और घर आ रहा था, और घर आया और
आई सॉ माय मदर क्राइंग. तो मैंने कहा क्या हुआ, एवरीथिंग ओके? एंड शी जस्ट क्राइड एंड क्राइड एंड क्राइड, एंड आई जस्ट हेल्ड हर, आई सेड क्या हुआ? एंड लाइक अ बेबी, यू नो माय मदर हु वाज माय स्ट्रेंथ एंड जो मेरे हमेशा मेरी शक्ति हैं, मेरा आशीर्वाद हैं, बच्चे की तरह रोने लगी और कहने लगी कि कब तक मेरे बेटे को ऐसे करते जाएंगे? मैं भी माँ हूँ और मेरे बेटे के बारे में कह रहे हो तो मुझे कैसे लग रहा है? और उन्हें बहुत दर्द हुआ उस बात का. देन मुझे याद है कि मुझे माँ ने कहा कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. कोई और होता अब तक तो या तो पागलखाने में भर्ती हो जाता या ड्रग्स वगैरह या दारू में बिल्कुल बर्बाद हो जाता. मगर सलमा आंटी जब हॉस्पिटल गई थी तो यू मेड द फर्स्ट मूव और आप वहां गए उनसे मिलने, जब ऐसा बैकफायर भी हो सकता था. जब मैं सलमा आंटी से मिलने गया था तो मुझे सलमान से कोई रिस्पॉन्स नहीं चाहिए था. मैं गया था क्योंकि मेरे फादर की रिस्पेक्ट थी उनके लिए और खासकर सलीम अंकल को भी. जब मैं नया स्टार्ट किया था, मेरी इंडस्ट्री में शुरुआत हुई थी, यूज्ड टू गिव मी अ लॉट ऑफ लव एंड यूज्ड टू गिव इन सेट इवन व्हेन आई वेंट आफ्टर दैट. बाद में जब गया तो उन्होंने तब भी मुझे बहुत प्यार किया, उनका हमेशा कांस्टेंट ही रहा है एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम एंड एडमायर हिम फॉर दैट. मुझे और एक चीज बहुत बुरी लग रही थी, जब मैं देख रहा था कि मेरे बारे में जब लोग कुछ कहते थे तो सबसे ज्यादा इफेक्ट मेरी माँ को पड़ता था. करेक्ट, बुरा लगता था. देन आई रियलाइज कि मैंने इतने जो बकवास की है टेलीविजन पर, मुंह खोला है इतना, जो मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी बाकी सारी बातें, हाउ आई मस्ट हैव हर्ट हर. एंड माय गोइंग देयर वाज एक्चुअली एन अपोलॉजी फ्रॉम माय हार्ट, ट्राइंग टू से कि आई एम रियली सॉरी, मैंने आपका दिल दुखाया. सलमान की मम्मी को सॉरी बोल रहे हैं, मैंने आपका दिल दुखाया, उसके लिए मैं माफी. और मुझे लगता है कि जब ये सब हुआ तो मैंने अपनी तरह से बहुत कुछ सुलझाने की कोशिश की था. जब ये सब चल रहा था, जब फोन आ रहे थे और 41 मिस कॉल्स, वो एक रात की बात है, उससे पहले काफी थे. डू यू रिमेम्बर इट रितेश, कितने मिस कॉल्स थे? 41. मेरा लकी नंबर होगा आपको आज से. 41. क्या आप हमें बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था? बिकॉज किसी को कुछ पता है, किसी को कुछ पता है. हाँ, ये एक इशू है, आप सही बोल रही हैं. बहुत कुछ चल रहा था, बहुत सारे थ्रेट्स चल रहे थे, इनडायरेक्ट थ्रेट्स चल रहे थे, बहुत सारे प्रेशर टैक्टिक्स चल रहे थे. मैं थक गया था इन सब चीजों से और खत्म करना चाह रहा था. मैंने फोन भी किए, मैंने जाकर उनके घर उनसे मिलने की कोशिश भी की. इनके घर सलमान के. तो आई वांटेड टू गो सिट अक्रॉस एंड टॉक टू हिम. माय डैड वाज नॉट इन बॉम्बे. अगर शायद आपके पिताजी होते तो मैं उनसे शायद सलाह मशवरा करता. लेकिन उस समय कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे काफी करीब थे, जो मुझे राय दे रहे थे कि इस तरह से. दैट्स अ गुड चॉइस ऑफ वर्ड. जो इन्हें राय दे रहे थे, सुझाव दे रहे थे, सुझाव मशवरा दे रहे थे, राय नहीं दे रहे थे. कुछ लोग ऐसे थे जो मुझे सुझाव दे रहे थे और बोल रहे थे कि तुम्हें ये इस तरह से हैंडल करना चाहिए. और वो मुझे नहीं लग रहा था कि ये करेक्ट अप्रोच है. वो कह रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो. हाँ, कि यही तरीका है इसी चीज से. वो मतलब उत्साह रहे थे आपको उस समय? तो मुझे लग रहा था कि मेरे लिए सोच रहे हैं और मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना. अपनी इंडस्ट्री में एक दस्तूर है, टपरवेयर मालूम है आपको, प्लास्टिक के डब्बे बनाती है. उनके यहाँ जितना प्लास्टिक है उससे ज्यादा प्लास्टिक हमारी फिल्म इंडस्ट्री में. सब है यहाँ पे, प्लास्टिक स्माइल, प्लास्टिक हार्ट, प्लास्टिक सब कुछ, बहुत कुछ है यहाँ पे. तो वो आपको देख रहा है और आई एम नॉट सेइंग इट्स गुड और बैड. अलग लोगों का अलग तरीका है सर्वाइव करने का. क्या आप पूरी तरह अब उन्हें भुला चुके हैं? उन्हें मैं भुला चुका हूँ. मुझे एमनीजिया हो गया है. कुछ सीखे हैं आप इससे, विच इज व्हाट आवर शो इज अबाउट, कि इंपल्सिव मिस्टेक्स होती है लेकिन आप उसे ओवरकम कैसे करते हैं, उससे क्या सीखते हैं? इस पूरे एक्सपीरियंस से एक चीज सीखी, इसका सार मुझे लगता है कि जो भी करना है दिल से करो, सबकी सुनो, खुद की करो. बुरे वक्त में घबराना नहीं, अच्छे वक्त में पगलाना नहीं.